ओके सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्नैप ऑफ मैथमेटिक्स फॉर वन स्टूडेंट अक्षय हु हैज गॉट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम आईआईटी मद्रास इन बायोमेडिकल इन एमटेक और एमएस अक्षय प्रोग्राम एमएस सर एमएस बायोमेडिकल राइट यस सर ओके एंड व्हाट इज योर बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओके यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड व्हाट वाज योर गेट स्कोर 601 इन मैकेनिकल पेपर सर 601 ओके ओके नाइस So now let us start. Akshay, what is divergence? Can you tell us something about divergence? Divergence is dot product of two vectors. Dot product of two vectors, right? Okay, what are those two vectors? One is gradient vector. Okay. Another one is any of the force vector or velocity vector. Force vector or velocity vector. So what is that gradient vector? Gradient vector is... Can we take any vector as gradient vector? Is 2i plus 3j minus k gradient vector? No, sir. Then what is that gradient vector? Gradient vector formula, I know, sir. That what is the formula? I cap dou by dou u, dou x, dou by dou x plus j cap dou by dou y plus k cap dou by dou z. Okay. This is we represent by that. Triangle symbol, sir. Ulta. Okay. Downward. So can you tell me any application or any geometrical interpretation of divergence? Any use in your mechanical branch? It is actually used in fluid mechanics to know the source and sink kind of thing, sir. Source and sink what? Source and sink of fluid flow. Fluid flow. तो ये कहां पे सोर्स है कहां पे सिंक है ये बताता है यस सर ओके एनी अदर क्वांटिटी नो सर नो आई डोंट हैव दैट मच आइडियास ओके ओके सो नाउ अक्षय यू नोट डाउन वन मैट्रिक्स यस सर फर्स्ट रो इज माइनस वन फोर माइनस वन फोर सेकंड रो इज फोर माइनस वन फोर माइनस वन यस सर ओके सो यू हैव टू टेल मी एनी सिक्स पॉइंट्स अबाउट दिस मैट्रिक्स कोई भी सिक्स पॉइंट्स आप इसके बारे में बताइए इसकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज या कोई भी क्वांटिटी जो इससे एसोसिएटेड है सिक्स ओके सर आपको इसके ऊपर एक एस से लिखना है सिक्स लाइंस में ओके सर इट इज अ टू इनटू टू मैट्रिक्स सर फर्स्ट ऑफ ऑल ओके एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे ओके नेक्स्ट Okay, then it is a symmetric matrix. Symmetric, okay. Its determinant value is plus 1, minus 16, minus 15, sir. Okay. And so it is a non-singular matrix, sir. Okay. So A inverse is exists, sir. Okay. And inverse exists. Its rank is 2, sir. Rank 2 hai, okay. Rank 2 hai aur linear independent vector hai, sir. Matlab? Iska rank jo hai is equal to number of variables. Rank equal to number of variables, मतलब number of variables, number of rows, number of columns जो है sir, वो number of variables के equal है ना sir? Variable कहाँ इसमें? Where are the variables? Everything is constant.
yes sir vector we are not multiplying with vector yes sir I can calculate eigenvalues of this matrix. Okay, compute. Three and minus five are the eigenvalues, sir. You are mute, sir. Three and minus five. Okay. Yes, sir. Good. So, आपके six points complete हो गए, right? Yes, sir. Okay. एक इक्वेशन नोट करो एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो यस सर इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ना यस सर तो ईच सॉल्यूशन एक पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसके सॉल्यूशन सेट को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करके दिखाओ कोई स्केच पेन है आपके पास क्या हाँ है सर आगे है हाँ तो स्केच पेन का यूज करके जो सॉल्यूशन रीजन आएगा इस इक्वेशन का उसको उस स्केच पेन से आप सेटेड करके दिखाओ मुझे इक्वेशन इज एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो सर सॉरी सर ये नहीं आ रहा है सर मुझे म्यूट म्यूट है सर नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं ये बताइए कि यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में आइडिया आपको व्हाट सर सॉरी सर यूनिट स्टेप सिग्नल नो सर यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी कभी सुना है आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म में यूज होता है ना सर तो जानते हो उसके बारे में कुछ रिसेंटली पढ़ा नहीं हूँ सर उसको लेकिन उसका एक ग्राफ आता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप यूनिट एक एक्स एक्सिस पे एक जीरो वन पे वन जीरो पे एक रेक्टेंगल सा ये आ जाता है सर फंक्शन ग्राफ आ जाता है अच्छा y इक्वल टू e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x इसका ग्राफ बना दोगे यस सर बनाओ प्लस मॉडुलस x है ना सर या e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x यस सर सर इसका फोटो भेजना है क्या सर अगर सामने दिखा सकते हो तो दिखा दो ओके सर ओके दिख रहा है सर यस यस सो व्हाट आर द टू कर्व्स इन द राइट हैंड साइड इन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज e पावर x सर पॉजिटिव x इट इज e पावर माइनस x एंड यू टेल मी यस सर एट व्हाट पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस
It is continuous everywhere, sir. At what point this function is not differentiable? At x equals to 0, here it is not differentiable, sir. Why? Because the slope is, there is only one slope, sir. Not there is only one slope? No, sir. Two different slopes are coming, sir. Okay, okay. अगर हम इस पूरे फंक्शन के बाहर माइनस लगा दें, मतलब माइनस ऑफ e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x, तो क्या इफेक्ट आएगा? नया ग्राफ कैसे बनाएंगे? It will just get mirror to x-axis, sir. तो ड्रॉ करके दिखाओ. अच्छा, एक फंक्शन है y इक्वल टू 1/x2, ये ग्राफ ड्रॉ करो. y इक्वल टू 1/x2. ओके सर. मैथमेटिकली कैसे बताएंगे कि दिस इज कनकेव अपवर्ड ड्यू टू दिस रीजन? जो सेकेंड मतलब टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तब उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा सर. ओके, इज देयर एनी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन दिस कर्व? नो सर, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट इज रेशनल फंक्शन. रेशनल फंक्शन इज रेशियो ऑफ टू पॉलीनोमियल फंक्शंस. ओके, एंड व्हाट इज पॉलीनोमियल फंक्शन? Polynomial functions, I'll write it, sir. Yeah. Here, sir, a1, a n, a0, a1 are all constants, sir. Mm-hmm. And x power is in, it may decrease or increase. The powers may decrease or increase. Okay. But in standard form, usually we consider it is in the decreasing form. Okay. And these powers are always non-negative integers. Okay. अच्छा, ये बताइए कि sin 3x का ग्राफ बना सकते हैं? Sin 3x. Yes. Yes, sir. First of all, this 3x we can calculate. This period will be 2π/3, sir. Okay. So within 2π cycle of sin x, which is standard in standard equation of sin x. Three cycles, three oscillations will happen, sir. Okay, so draw. Yes, sir.
कौन कौन से पॉइंट मार्क किया आपने? ये 2π/3 है सर, फिर फर्स्ट साइकिल कंप्लीट्स। और पाई बाई थ्री कहाँ पे है? पाई बाई थ्री यहाँ पे कुछ हुआ सर, वेयर इज द पाई बाई थ्री? हियर सर। ओके ओके, देयर वैल्यू बिकम्स जीरो सर। अच्छा, अगर इस पे हम मोड लगा दें, मोड साइन 3x कर दें, तब क्या इफेक्ट आएगा अगर आपने पूरे फंक्शन पे मोड x सर? हाँ, देन y इक्वल्स टू साइन, इसी ग्राफ में चेंज करके बता दो ऐसा, चेंज इन दिस ग्राफ, देन द कर्व फंक्शन वैल्यूज और द कर्व बिलो द x एक्सिस विल कम अबव द y एक्सिस सर। ओके, तो नाउ टेल मी व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर, रियल वैल्यूड फंक्शंस not able to recall sir. Okay, we have a differential equation. Yes sir. Dy upon dx, okay, yes sir, equal to x upon root y, x upon root y, yeah. So what will be the general solution of this differential equation? कर लिया, थोड़ा ऊपर करो इसको, y की पावर 3/2, ठीक है। ओके, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये ड्रॉ करके दिखाओ, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, यस। Yes, sir. You are mute, sir. Y square equal to 8x बना दिया आपने? Yes, sir. इसका focus कहाँ पे है? Focus बताना. Focus 0-0 पे है. 0-0 पे focus होगा? No, no, sir. Vertex vertex 0-0 पे. Parabola में focus होता है कोई? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पे होगा इसका फोकस? फोकस विल बी ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस सर। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे?
अच्छा ईसीजी के बारे में जानते हो? ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईसीजी? नो सर, कभी आपने अपना ईसीजी कराया है? नो सर, नो। तो किससे रिलेटेड है, बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है ये ईसीजी? कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऐसा कुछ होता कार्डियोग्राम क्या होता है? है। हार्ट की भी हार्ट बीट जो है वो चेक करते हैं सर, मतलब उसका वेरिएशन कैसा है, इरेगुलर की रेगुलर है। ठीक है, ओके। सो अक्षय, योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ यस सर। एंड लेट मी गिव यू द फीडबैक। देखो, काफी क्वेश्चंस आपने सही किए हैं अक्षय। तो सर बेसिक लेवल से ऊपर नॉलेज आपको ठीक है, मतलब ठीक है, बट कई क्वेश्चन आपने नहीं किया आंसर। जैसे एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यस इसका सोल्यूशन सेट हमें प्लॉट करना है ना, मतलब सर इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे एक्स वाई हमें प्लॉट करने हैं। तो अगर ओके हम x को 0 ले लें और y को कोई भी नंबर रखें, ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी कि नहीं होगी? होगी सर यस। होगी। तो x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस के ऊपर होता है। यस सर तो y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा कि नहीं होगा? यस सर अगर हम y इक्वल टू 0 कर देते हैं, x को कुछ भी ले लें, तब भी ये सेटिस्फाइड होगी? यस सर तो जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यस तो सर एक्स एक्सिस को भी अपने उससे हाईलाइट कर देंगे स्केच पेन से। यस सर अब तीसरा, जीरो कहां पे आ सकता है? या तो एक्स इक्वल टू 0 या वाई इक्वल टू 0 या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब वाई इक्वल टू माइनस एक्स। और वाई इक्वल टू माइनस एक्स एक स्ट्रेट लाइन होती कि नहीं होती? यस सर उसको ड्रॉ कर दो, उसको स्ट्रेटेड कर दो। तो तीन लाइन है ये, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई इक्वल टू माइनस एक्स। इन तीनों की शेडिंग कर दो, इनके ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट लेंगे आप, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या दिक्कत है? यस सर यस सर परफेक्ट। कई बार ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना कि वो तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन वो होगा नॉर्मल कंसेप्चुअल। तो ओके सर थोड़ा सोचना है ना, देख के उसको ट्राई तो करो कम से कम। यस सर यस। उसके बाद रैंडम वेरिएबल नहीं बताया आपने, तो अभी देखो क्या क्या करना है आपको। बायोमेडिकल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादा, तो ग्राफ से क्वेश्चन पूछने के चांस हैं। यस सर और ग्राफ में तीन फंक्शन नोट कर लो, ये ग्राफ तो सारे जो कॉमन हम पढ़ते हैं वो पढ़ने ही हैं। एक तो यूनिट स्टेप फंक्शन, ओके सर एक यूनिट इंपल्स फंक्शन और एक रैंप फंक्शन। ये तीनों की नॉलेज भी ले लो, यस सर ठीक है, नोट कर लो इनको, ये तुम्हें रेडी करने हैं। यस सर और इनमें यूनिट स्टेप फंक्शन, स्टेप, हाँ, यूनिट इंपल्स, यूनिट इंपल्स और यूनिट रैंप फंक्शन, यूनिट रैंप। हाँ, यस सर तीनों टेस्ट सिग्नल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर जगह। तो इनके ग्राफ तुम्हें प्लॉट होने चाहिए, इनका फॉर्मूला क्या होता है वो प्लॉट पता होना चाहिए वैल्यूज का। यस सर और इनमें कोई ऑपरेशन भी लगा सकते हैं शिफ्टिंग का, जैसे यूनिट स्टेप की जगह डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन, UT-1, UT-2, ये भी पूछ सकते हैं, ओके सर ठीक है। और दूसरा, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट भी पूछे जा सकते हैं जो आपने नहीं बताया। रैंडम वेरिएबल तो उसको रिवाइज करो, रैंडम वेरिएबल के बारे में PDF PMF सारा रिवाइज कर लो। यस सर ओके और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने सही सॉल्व कर दी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है। यस इन सर जनरल मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं वो। यस सर और जैसे ये आपने पैराबोला बना दिया, तो कई बार वो पूछ लेते हैं कि एलिप्स बना के दिखाओ, पैराबोला बनाओ, हाइपरबोला बनाओ, जनरल फिगर जो होती है ना। यस सर तो इन सब का आइडिया आपको रखना है, बेसिक चीजों का, बेसिक मैथमेटिक्स का, मतलब बेसिक जो भी चीजें हम 10th क्लास तक या 12th क्लास तक या इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट पूछेंगे वो आपसे। ओके सर सबसे ज्यादा फंक्शन और ग्राफ के ऊपर फोकस करना है, ओके सर दूसरे नंबर पे उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर फोकस करना है, और फिर मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ओके सर और बायोमेडिकल में जो जनरल चीजें होती हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया ले लो, सिटी स्कैन क्या होता है, कैसे होता है, MRI क्या होती है, कैसे होती है, ये जो ECG होती है, EMG होती है, EEG होती है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लो। ओके तो सिटी स्कैन आजकल बहुत ज्यादा कॉमन चर्चा में है, आपने सुना होगा न्यूज में, यस सर कोरोना बहुत सारे के लोगों के टेस्ट सिटी स्कैन हो रहे हैं।
तो पता होना चाहिए तुम्हें, अगर तुम बायोमेडिकल में जा रहे हो, कि सीटी स्कैन कैसे होता है, क्या फुल फॉर्म है सीटी की, क्या मतलब है, सारा कुछ उसके बारे में एक बार देख लो। यस सर। एमआरआई मशीन कैसे काम करती है, उसकी फंक्शनिंग देखो जरा एक बार। यस सर। ठीक है। यस सर। यस। और ये जो पल्स ऑक्सीमीटर, आजकल ऑक्सीमीटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लो। सेंसर्स के बारे में पढ़ना है, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। ओके सर। क्लियर। यस सर। थर्मोकपल आपने पढ़ा होगा। यस सर। मैकेनिकल में तो ट्रांसड्यूसर्स के बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लो। Yes, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। यस सर। उसके अंदर क्या होता है, वो कैसे काम करता है। यस सर। स्टेथोस्कोप का क्या यूज है। यस सर। तो इन सब चीजों को एक बार देख लो। ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो ओके, ऑल द बेस्ट।